हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वाटर रिसोर्स की चर्चा करेंगे और ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेस्ट में इससे क्वेश्चन आएंगे और वैसे क्वेश्चन और एग्जामिनेशन तो अलग बात है। और वाटर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वाटर क्राइसिस आज का एक बिग प्रॉब्लम है, इसलिए वाटर को थोड़ा समझना जरूरी है। विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर। वाटर एसेंशियल है, ये अमृत है जीवन का, इसकी उपलब्धता जरूरी है। एम्यूनिटी ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड तो हम देखें कि ओशियन में 97.5% वाटर जो कि यूजलेस है, साल्टी है, ना पी सकते ना इरिगेशन कर सकते। तो फ्रेश वाटर मात्र 2.5% है, उसमें भी उसका 70% फ्रेश वाटर जो है ग्लेशियर के रूप में है, स्नो के रूप में है, माउंटेन्स में, पोलर रीजन्स में, वो भी 70% समझो बेकार ही है। तो पानी की कितनी ज़रूरत है और कितनी उसकी आवश्यकता है यह देखते हुए पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है, उसको बचाना होगा। उसमें दूसरी तरफ कुछ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस पर डैम बनाकर पानी को रिजर्व करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये सब बनाया जाता है। इस सब हालांकि विरोध हो रहा है, कई आंदोलन चल रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स, इसका विरोध हो रहा है। और क्योंकि डर है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा लोकल्स का, स्थानीय लोगों का, बहुत बड़ा होगा, लार्ज स्केल पर होगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए कई संगठन जिसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका रिन्यूअल होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा। वाटर साइकिल साइंस में आप जानते हो कि वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है, ऊपर ठंडा आयर भी वो कूलर भी फाइन, वहाँ ठंडा होकर फिर ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंसेशन के बाद फिर भारी हो जाता है, नीचे गिरने लगता है, फिर ड्रॉपलेट वाटर में चेंज होकर धरती पर गिरता है, ये सर्किल चलता रहता है। इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह रहे हैं या वाटर साइकिल है, रिन्यूअल होता है। लेकिन बट इसका यूज बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो इस वाटर स्कर्सिटी होना है। कारण है कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए अनाज चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, सेटलमेंट के लिए, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा कारण है वाटर स्कर्सिटी का। इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यक्ति बढ़ेंगे तो बहुत सामानों की जरूरत होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मिलेगा होगा उससे वाटर की कमी होगी। और फिर इंडिस्क्रिमिनेट फिलिंग ऑफ ट्री, जो हम कटाव सेटलमेंट के लिए लकड़ियाँ काटते हैं ये एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, तो जो पेड़ों की कटाई है, इंडिस्क्रिमिनेट कटाई जो हो रही है वो भी वाटर, क्योंकि वन से ही वर्षा होती है, एक पेड़ हजारों लीटर वाटर इवेपोरेट करता है, तो उसी वो कारण है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं, उसमें पानी की जरूरत होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, इरिगेशन के लिए, और इस सब के बावजूद हम डिसरिगार्ड करते हैं जो हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको गेल हुआ, और ये सब का हम डिसरिगार्ड करते हैं, ये भी कारण है। हम कंजर्व क्यों करें, वाटर को कंजर्व करने के तीन कारण का कारण है, ये हेल्थ हजार्ड, फ्रेश वाटर चाहिए, हम कोई वाटर नहीं पी सकते, हेल्थ हजार्ड की समस्या हो जाएगी, तो इसके लिए हमको कंजर्व करना होगा। फिर इरिगेशन के लिए वाटर कंजर्वेशन जरूरी है, और सबसे बड़ा कारण है कि इकोलॉजिकल बैलेंस इससे ठीक रहता है। अगर वाटर की उपलब्धता नहीं होगी तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन वो भी नुकसान होगा, उसके बाद फिर कई समस्याएँ इकोलॉजिकल बैलेंस की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए वाटर के बारे में जानना, अधिक से अधिक जानना बहुत जरूरी है। आगे की बात आगे की वीडियो में। जय जय भारत, धन्यवाद।